73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुली जीप में परेड की सलामी भी ली। उनके साथ जिला कलेक्टर मनीष सिंह और पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संदेश भी सुनाया, साथ ही प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में नेहरू स्टेडियम में परेड सलामी देखने को शहरवासी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में किए गए उत्कृष्ट सेवा कार्य को लेकर शासकीय अशासकीय कर्मचारियों और सामाजिक संस्थाओं NGO के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। समारोह स्थल को विशेष रूप से सजाया सवारा गया। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली गई। पर पहुंच चुके हैं और उनसे अनुरोध है कि आरती के कर कमलों से इस हमारे अस्मिता गर्व आन-बान शान के तिरंगे को गुब्बारे उड़कर कुछ सीख ही देकर जा रहे हैं। गुब्बारे ने उड़कर दिक सीख बड़ी। गणतंत्र दिवस के समारोह के पावन पर्व की भव्य एवं आकर्षक परेड में 10 दल शामिल है। परेड निरीक्षण या हो फिर सिख ईसाई या हर शख्स के दिल में हिंदुस्तान बसता है। आज के कार्यक्रम को अपने मुख्य आतिथ्य से सागर दतिया ग्वालियर जिलों में भी सेवाएं दी और वर्तमान में आप सहायक पुलिस आयुक्त यातायात महानगर इंदौर हैं। आपके कुशल नेतृत्व में और आपके सहयोगी के साथ सुबेदार ब्रजराज अजनार जी महती भूमिका अदा करते हुए इस आकर्षक परेड को मंच के सामने से गुजार रहे हैं। स्मार्ट टर्नआउट, आंखों में चमक, कंधों की ऊंचाई को छूता, हवा में लहराता बाजू इससे ठीक पीछे है 15वीं बटालियन का यह दल। उप निरीक्षक रमेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने सलामी देता है। चौधरी को सम्मानित किया जा रहा है। मंच पर बनाए रखने में यातायात मित्र के रूप में आपने यातायात प्रबंधन में सही से जिला पंचायत की झांकी रश्मि चौधरी जी, श्रद्धा गोहन जी और अमित दुबे जी और समाज सेवी डॉक्टर अनिल भंडारी जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जिन्होंने विशेष टीकाकरण। मैंने बेटी बचाने की बात कही है, मेरी प्रार्थना है बेटियां आए तो स्वागत करें, बेटियों को इस धरती पर आने दें, बेटी बचाने में उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करें, लोकल उत्पाद खरीदें, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान। अब ये दिन लग गए मेड इन इंदौर, मेड इन मध्य प्रदेश। हमारे गांव में, हमारे शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हमारे अपने साथियों अनेकों चीजें बनाते, लोकल को वोकल बनाने के संकल्प को पूरा करें, ये मेरा निवेदन है। बिजली हम भरपूर बना रहे, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जनता को सस्ती बिजली देने पे करते हैं, लेकिन प्रदेशवासियों मैं अपील करता हूँ, बिजली फालतू ना जलाएं, जितनी जरूरत हो उतने उपयोग करें। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। मैं आपसे पीने के पानी के भी बेहतर प्रबंधन की गांव में अब नल जल योजना बन रही है, समितियां बनाकर उनका बेहतर प्रबंधन करें। और वैसे ही एक अपील और, हर शहर हर गांव अपना जन्मदिन साल में एक दिन मनाए। मैंने पिछली बार इंदौर में यह अपील की थी, कुछ गांव ने अपने जन्मदिन की तारीख तय की है। मेरे अपने गांव जैत ने भी नर्मदा जयंती के दिन गांव का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। इंदौर भी जन्मदिन अपना एक दिन मनाए, कोई एक दिन इंदौर का। जब इंदौर में रहने वाले दुनिया भर के लोग इंदौर आए, इंदौर की अलग अलग प्रतिभाएं, इंदौर के विकास का संकल्प ले और साथ मिलके हम इंदौर को और आगे ले जाएं। इंदौर हो चाहे बाकी शहर हो, उनका अपना एक दिन हो,
जिस दिन गांव के लोग मिलके अपने गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प लें और अंत में नशा मुक्ति अभियान